अभी कुछ का क्या प्रॉब्लम रह गया, अब ज्वाइन नहीं हुआ उसका। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा प्रपोर्शन में बिटवीन और अमोंग के बारे में। किस तुम्हारा बज रहा है? बिटवीन आपने सुना होगा, ये वर्ड इंग्लिश पढ़ते समय बहुत बार आता है। अमोंग भी थोड़ा बहुत कभी कभी सुना होगा। कमाल का दुर्भाग्य है, इंग्लिश भी मैथ में ही सुना है तुम लोगों ने। अमोंग, मुंह बंद। कुछ भी करिएगा मेरे लैपटॉप से दूर रहिएगा। बिटवीन के बीच में, दो चीजों के बीच में, ठीक है। और अमोंग का मतलब भी होता है के बीच, ठीक है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अब देखो कैसे तुम्हें लग रहा है, ऐसे पाँव मत करो, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूं पहला, परी इज सिटिंग बिटवीन डबल ए फोर आस्था डबल ए क्यों बोल रहे हो एंड भानुप्रिया की छोटी बहन अनुप्रिया, ठीक है। परी इज सिटिंग बिटवीन आस्था एंड अनुप्रिया, मतलब आप केवल दो के बीच की बात हो रही है। आस्था और अनुप्रिया के बीच में कौन बैठी है? परी। अरे तो कुछ छड़ी घुमा के पैसे वैसे मांग लो ट्रॉफी। आस्था की गलत ये यही कहती है कि यही सही है, सही लिखी है। कौन झंझट है, पड़े हम यही लिख देते हैं। आगे देखें, आस्था लिखे वो सही है। दो टाइम के बीच में भी दिखा सकते हैं, कॉन्टैक्ट Contact us between 7 a.m. to 7 p.m. जैसे किसी में लिखा रहता है कि 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच में संपर्क करें, ठीक है। इस तरह से उसके बाद अमोंग, देखिए आपको बस इतना ही जानना है बिटवीन के बारे में, क्योंकि फिर मैं ज्यादा बताऊंगा आप कंफ्यूज होंगे। बिटवीन का मतलब सिंपल सा ये फंडा है कि किसी दो लोगों की या दो चीजों या किसी भी दो के बीच की बात अगर होगी तो बिटवीन की बात, ठीक है। अमोंग मोर देन टू, दो से अधिक के बीच की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे, अमोंग की का यूज करेंगे। क्लियर है? मोर देन टू। अब जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमोंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में आम बांट दो, है ना। तो बच्चों के बीच में मतलब क्लियर हो गया कि दो बच्चे नहीं है, दो से अधिक बच्चे हैं। लेकिन अगर दो बच्चे होते तो हम यहां अमंग के जगह में बिटवीन यूज करते, ठीक है। अमंग का बस इतना ही, तो बिटवीन और अमंग समझ गए। बिटवीन मतलब ओनली दो के बीच की बात होगी, ठीक है, और अमंग मतलब दो से अधिक के बीच की बात होगी। देखो बेटा, बिसाइड मतलब होता है एस नहीं लगा हुआ है, वहां एस लगा हुआ है। इस एस से बहुत मैटर करता है। मैं बात कर रहा हूं बिसाइड और वहां बी साइड्स, बोलो
नहीं, तुम क्या है अपना ज्ञान बांट रहे हो, मैंने कहा ना अलग होता है, बताऊंगा ना, तुमसे पूछा नहीं, तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, जब पूछेंगे तब बताइएगा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, या के नजदीक, ये तो समझ में आता होगा ना आप लोगों को, के किसी चीज के नजदीक या किसी चीज के बगल में। और जो बी साइड्स होता है उसका मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, या आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। अब देखो ये कैसे, मैं समझाता हूं, देखो सिंपल, ही सीट्स, he sits beside his mother, वो अपनी मम्मी के बगल में बैठा है। She lives beside my house, मतलब वो मेरे घर के नजदीक में रहती है। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है, यहां ये समझ में आ गया, बिसाइड मतलब कि किसी चीज के बगल में या नजदीक। मैं और भी कह सकता हूं, संजीव सीट्स बिसाइड जतिन, संजीव जतिन के बगल में बैठा है, और संजीव का ये भी हो सकता है, संजीव सीट्स बिटवीन जतिन एंड प्रशांत, ये भी कर सकते हैं। इसको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं आ रहा है परी, देख नहीं आएगा बेटे, तो पूछ सकती है, देख मेरे पास है ना लंबे लंबे ड्रैकुला वाले दांत भी नहीं है, मैं खून भी नहीं पीता हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल मत डरा करो, मुझे केवल उन गधों से परेशानी है ना जो काम नहीं करते, बस और कोई टेंशन नहीं, काम करने वाले बच्चों को मैं कभी नहीं मारता, और कोई नहीं मारता, काम करने वाले बच्चों को कौन मारेगा, ये बात हुई, बगल में या के नजदीक, ठीक है ना। मैं कहूं ही सीट्स बिसाइड हिज मदर, मतलब वो अपनी मम्मी के बगल में बैठा है, मम्मी बैठी होंगी उनके बगल में जाके बैठ गया, चापलूसी के लिए मम्मी 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, करते ना हम लोग, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ऊपर चली गई। सी लिव्स बिसाइड माई हाउस, ठीक है, वह मेरे घर के नजदीक रहती है या घर के बगल में रहती है ना। संजीव सीट्स बिसाइड जतिन, एस मत लगा देना, ये छोड़ दिया मैंने, क्या एस मत लगा देना, एस अगर लगते ही सारा है ना झुलझल खराब हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़, ठीक है। संजीव सीट्स बिसाइड जतिन, संजीव जतिन के बगल में बैठा है। सारे बच्चे इतने बोर हो रहे हैं ना कि उनका मन में अंदर अंदर करेंगे, आज अगर एक ईट मिल जाता ना मास्टर का सर फोड़ देते हम लोग, मुझे पता है इस बात का, लेकिन क्या कहें, आप लोगों को पता ही है आई एम अ सड़ू मैन, हम कभी नहीं घबराते। इसको देखेंगे, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या अलावा, किसी चीज के अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा है। मैं आपको बताऊं, आई हैव बिसाइड्स 10 रुपीज, ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं, ये नहीं होता ना, इसपे फोन भी नहीं चलता, फोन चल रहा, ये नहीं चलता, नहीं फोन नहीं चलता, ठीक है। आई हैव बिसाइड्स 10 रुपीज, मतलब मेरे पास और के होते हुए 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, 10 रुपए और है, है ना। हम इसे ये कह सकते हैं, बिसाइड्स मी सर, हाँ
सर स्क्रीन थोड़ी जूम आउट कर दो। जूम आउट क्यों, क्या हो गया स्क्रीन में? आप अपना स्क्रीन जूम करोगे ना बेटा, फोन पे जब क्लास लेते हैं तो आप अपने स्क्रीन को जूम करोगे ना, तो बेटा ये आपके फोन की प्रॉब्लम होगी। आप लोग और बच्चे स्क्रीन जूम कर पा रहे हैं अपनी? यस सर। आप ये आप लोग के नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शुभम, ठीक है ना? जूम तो आप करोगे ना, मैं कैसे करूंगा? बिसाइड्स मी ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अधिकतर 90% लोग जो है ना इस सेंटेंस का मीनिंग गलत निकाल रहे हैं। बिसाइड्स मी ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट का मतलब वो मुझे छोड़ करके सभी इंटेलिजेंट सारे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे साथ साथ मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही, उसके अलावा मेरे अलावा सारे बच्चे इसमें इंटेलिजेंट। समझ में आ रही है? यहाँ पे ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के अलावा, मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही, मेरे साथ साथ और भी बच्चे इंटेलिजेंट। मैं इसका बता सकता था? नहीं, आपके बताने से नहीं हो पाता ना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आई हैव बिसाइड्स 10 रुपीज, मतलब मेरे पास और रुपीज होने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा 10 रुपीज। ठीक है सर, अगर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आई हैव एक्स्ट्रा 10 रुपीज, वो भी हो जाएगा। बिसाइड्स मी, मेरे अलावा All the students are intelligent, सभी intelligent हैं। लेकिन याद रखना ये besides का मतलब होता है plus, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ ये कहना होता कि मुझे छोड़ के सारे बच्चे intelligent हैं, तब वहां क्या लगाते वो देखिए। Except me, मुझे छोड़कर all the students are intelligent। ठीक है, मुझे छोड़ के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट। ये हो गया माइनस कॉन्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है माइनस, मतलब कि छोड़कर, और इसका मतलब होता है अलावा, मतलब कि अतिरिक्त, इसको लेकर। ठीक है, फिर से समझाता हूं। बिसाइड्स मतलब कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही और ये सारे बच्चे भी इंटेलिजेंट है, और एक्सेप्ट का मतलब है कि मुझे छोड़कर, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं लेकिन सारे बच्चे इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया?